हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अंकिता बेरा। और आज हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं एक हेयर मास्क फॉर डैमेज्ड हेयर। एंड यस, वीडियो के अंदर जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए, स्टे ट्यून गाइज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलोवेरा जेल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने प्योर एलोवेरा लिया है, प्लांट एलोवेरा। फ्रॉम देयर आई स्क्रेप आउट द जेल। कोई बात नहीं अगर ऐसे पीसेस में मतलब जेल निकल रहे हैं तो, आफ्टर ऑल वो सर पे ही लगने वाले हैं, सो इट विल गिव दैट एग्जैक्ट रिजल्ट ओनली। एंड हमको बस वो ग्रीन ग्रीन पार्ट निकाल लेने हैं जो बाई मिस्टेकनली मतलब चले गए हैं कटोरे के अंदर। देन हम इससे निकालने के बाद यू कैन सी कि हम लोग का जेल कम्प्लीटली निकल चुका है। सो इट्स लाइक अब हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट आने वाला है। तो यस, वो आ चुका है एंड इट्स नथिंग एल्स देन कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यहाँ पर मैंने जी ड्रॉप्स का कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल लिया है। एंड इफ़ यू डोंट हैव कैस्टर ऑयल देन इट्स ओके, यू कैन यूज़ मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एनी ऑयल यू हैव। तो यहाँ पर मैंने 2 स्पून्स लिए हैं ऑयल के। सो इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ द ऑयल यू कैन टेक दैट ऑफ 2 स्पून्स। मतलब मस्टर्ड ऑयल है तो 2 स्पून, अगर कैस्टर ऑयल है तो 2 स्पून। इट्स अप टू यू। एंड ये आप गर्ल्स के लिए खाली नहीं है, बॉयज़ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। माई ब्रदर है ट्राइड इन एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। नेक्स्ट हम लोग कर्ड यूज़ करेंगे। सो आई एम गोना टेक 2.5 स्पून ऑफ कर्ड, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे हेयर लेंथ के हिसाब से उतना इज सफिशिएंट। अगर आपके छोटे बाल है, मतलब मेरे काफ़ी मीडियम लेंथ है, इतने बड़े नहीं हैं, तो आप इतना लोगे तो आराम से आपके हेयर में हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का मास्क रेडी हो चुका है, हम इसे लगाएंगे। तो लगाने से पहले ये जो अच्छी खासी ड्रेस है इसको ख़राब नहीं करना भाई। तो पहन लेते हैं सबसे अलग टाइप का, थोड़ा मास्क टाइप के ड्रेसेस। तो चलिए मास्क लगाते हैं अभी। अभी हमें जानना पड़ेगा गाड़ी के। तो गाइस, एलोवेरा हमने लिया है जो क्लेंस करता है हेयर फॉलिकल्स को। ए सी ई बी 12 विटामिन है इसमें, जो हेल्दी सेल्स एंड शाइनी हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है कैस्टर ऑयल, जिसमें रिनिक ऑयल एसिड है जो कि फाइट करता है इन्फ्लेमेशन से और ट्रीट करता है हेयर फॉल। देन वी टूक मस्टर्ड ऑयल जो कि बहुत अच्छे काम करता है एज अ नेचुरल गुड कंडीशनर एंड फ्रीजीनेस से फाइट करता है, ब्रेकेज से भी एंड हीट डैमेज से भी, ड्राई स्कैल्प, स्प्लिट एंड्स, एवरीथिंग। एंड कर्ड में यू नो कि उसमें कितना प्रोटीन है एंड कैल्शियम है, जो कि हेयर ग्रोथ और डैंड्रफ कंट्रोल के लिए बहुत काम करता है। हेयर को सॉफ्टन भी करता है एंड इट प्रोड्यूसेस बायोटिन जो हेयर ग्रोथ भी करवाते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने मास्क लगा लिया है, एज यू गाइस कैन सी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वेट। तो विल वेट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे एंड वॉश करने के बाद आपसे मिलते हैं गाइस। ओके गाइस, आफ्टर 30 मिनट यू कैन सी कि मेरे हेयर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं एंड आई कैन इमेजिन कि मेरे बाल बहुत कलर्ड एंड बहुत डैमेज थे। सो इट हैज़ क्योर्ड माई हेयर अप टू अ बिट। आई मीन आई कैन नॉट, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरा बना हुआ ऐसा तिगड़म कोई काम करेगा। सो इट वर्कड आउट एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। एक्चुअली मीन्स आई नेवर थॉट इट विल वर्क। आई डोंट नो इफ दिस इज़ प्रेजेंट इन इंटरनेट और नॉट, बिकॉज मैंने तो नहीं देखा है। इफ़ यू हैव सीन देन इट्स माइट बी नॉट अ न्यू थिंग। सो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज इफ़ यू गोना ट्राई एंड ऑफकोर्स टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑफकोर्स गाइज वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय बाय।